कंटिन्यू रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थ्री फोर सिक्स नेवल पॉइंट तक, नेवल पॉइंट टच रहेगी, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पदासन, उत्तक्षण, नमस्कार, अगेन कंटिन्यू जो पैर बाहर निकल के जाता है अश्व संचालन में वही वापस आता है। राइट गया है तो राइट, लेफ्ट गया है तो लेफ्ट। अब पहले राइट गया है तो अब लेफ्ट जाएगा।
कंटिन्यू रखेंगे। कोशिश करेंगे कि जो पैर हमारा पीछे जाता है उसका नी फोल्ड ना रहे, स्ट्रेट करें पीछे को साइड। यस, सेवन फोर्टी चालीस हो गए नहीं। अभी का चालीस हुआ है। चलिए अब सब लोग एक साथ करने की कोशिश करेंगे। सर रिलैक्स करिए, ऐसे सेक करिए, ये अल्टरनेट लेग को सेक। चलिए एक साथ करेंगे अब स्टार्ट। वी रेडी, जितना पीछे जा सकते हो उतना जाएंगे। स्लोली स्लोली वापस। अष्टांगासन, भुजंगासन। जो पैर पीछे गया था वही वापस आएगा। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले से थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, थोड़ा सा 50% 10% स्पीड बढ़ाएंगे बस।
नेवल पॉइंट टच रहेगा, टच करेंगे, यस। एल्बो साइड की तरफ फेंकेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, सर जितना जा सकते उतना ही जाएंगे, बॉडी में कहीं जर्ग नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। और जिस तरीके से जाते हैं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, जिस रिदम में हम गए हैं उसी रिदम में वापस आते हैं, एक भी स्किप नहीं करेंगे। जैसे अगर राइट पैर पीछे किया है तो राइट ही आगे आएगा, जब नेक्स्ट करेंगे तो दूसरी बार में लेफ्ट आगे आएगा। एल्बोस को ईयर से बिल्कुल टच कर रखेंगे, वापस ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, कहीं भी कैसा भी स्ट्रेस नहीं। Thank you.
अब बॉडी को सेक करेंगे और अगेन, फिर थोड़ा सा नॉर्मल अब करेंगे, नॉर्मल स्पीड में। अभी तो ये वार्म अप था। चलिए वॉक, सेक करेंगे, सेक करो हाथों को, लेग अप डाउन बैक फ्रंट अप डाउन साइड फ्रंट अप रिलैक्स। वॉक करते रहेंगे, अब नॉर्मल स्पीड से कंटिन्यू 25 करेंगे, 25 सेल्फ काउंट करेंगे, काउंट तो आप ही करो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 continue 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
टू थ्री करिए सर। यस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सॉरी इसी में ब्रीथिंग नॉर्मल करा देते हैं। नहीं जब बारह सर में आए तो ब्रीथिंग नॉर्मल कर लो, रोक देते हैं वहाँ पे। नहीं नहीं रोकना नहीं। नहीं 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 ब्रीथिंग नॉर्मल कर सकते हो। हाँ नहीं होगा तो लम्बा कैसे पूछेगा। कोई भी आसन करेंगे तो उसमें ब्रीथिंग नॉर्मल करते टाइम नॉर्म स्पीड को शायद सांस को तुम रोक लो, लेकिन जैसे ही फाइनल पोजीशन में आ जाओ फाइनल पोजीशन में ब्रीथिंग नॉर्मल कर रखेंगे। नहीं हर हर पोस्चर में आप ब्रीथिंग नॉर्मल कर सकते हो अगर अगर लंबा खींच रहे हो तो। देखो मैं बता दूँ अब यहाँ पे नॉर्मल कर सकती हो आप। यस रोक लो थोड़ी देर। अब इस मुद्रा में भी नॉर्मल कर सकती हो आप। भुजंगासन में भी नॉर्मल कर सकते हो। लेकिन हमारा टारगेट तो 25 होगा। 25 भी होगा नहीं सारे हर बार में नहीं होगा नॉर्मल।
कैप दे देते नॉर्मल होगा। अभी 15 हुआ है, आगे के लिए बढ़ रहा 15 से बढ़ेगा। चलो छोड़ ज़्यादा हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। चलिए सही करेंगे और इस बार थोड़ा स्पीड से करेंगे, पूरे 50 ही कराएंगे आज। टारगेट है अब रुकना नहीं है, पूरे 10 एक ही बार में खींचना, 10-10 के सेट करके 30 कंटिन्यू और फाइनल स्पीड से करेंगे जितनी है स्पीड। अब 10 ही करने हैं कि 10-10 के राउंड 30 10 कर रही हूँ बस। पहले सेक करो, सेक अप डाउन साइड फ्रंट अप डाउन साइड फ्रंट रिलैक्स। Fingers up, down, up, down. Up. Front. Down. Side. Up. Down. Sick. रफ करेंगे, रफ इनसाइड हैंड चेंज सर आप इधर आ जाइए वरना अगर धूप लग गई तो। चलिए रेडी रेडी यस टू थ्री फोर फाइव सेवन 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 लास्ट 5 थोड़ा स्पीड से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलिए बैठ जाइए, जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो उसमें बैठेंगे। टाइम है अभी, चलिए ऐसे बैठेंगे, फिंगर्स को आउटसाइड करेंगे और पाम को क्लोज रखेंगे और अपर बॉडी को लो मिडल बॉडी को उठाने की कोशिश करेंगे और टो को टच रखेंगे। पीछे देखने की कोशिश करेंगे, वी रेडी, ये करेंगे ऐसे, ये स्लोली स्लोली वापस वापस वापस, अगेन ये ब्रीदिंग नॉर्मल, ब्रीदिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। यस, शेक करें, हैंड शेक, राइट लेग फोल्ड करेंगे और अल्टरनेट चलेंगे, ये ये लेग चेंज, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, अल्टरनेट, सेम एज राइट लेग, मिनिमम मिनिमम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके दो सेट करेंगे ही करेंगे। लेग सेक, अप डाउन, यस, टो इनसाइड,
आउटसाइड, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, ये ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे, यस वी रेडी, यहाँ टो थम पकड़ेंगे, जहाँ टो को टच कर सकते हैं और फिर जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएंगे, कोशिश करेंगे चेस्ट को टच करें, यस सिक अगेन, जहाँ पेन होगा उसे थोड़ा सा ज़्यादा करके होल्ड रखने की कोशिश करेंगे, यस अगेन ये करेंगे, यस बैक राइट लेग फोल्ड करेंगे, सेम ये अल्टरनेट हैंड लेफ्ट लेग राइट हैंड सेम, लेग चेंज लेग चेंज, यस इजी, नी फोल्ड करेंगे ऐसे पकड़ेंगे और बैक को स्ट्रेच करेंगे, यस इजी, अगेन जितना पास कर सकते हैं ऐसे तक, यस और बैक स्ट्रेच, यस इजी, ये रखेंगे ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि राइट जो लेग है हमारा वो लेफ्ट लेग के मिडल में आए और बैक स्ट्रेच करेंगे, पीछे जितना देख सकते हो उतना देखेंगे, यस अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड भी सेम लेग अगर मिडिल में आ रहा है इसका मतलब हमारा सही हो रहा है, यस अब पहले जितना देखा था उससे थोड़ा सा ज्यादा देखने की कोशिश करें, यस इजी, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखेंगे राइट को ये करेंगे फोल्ड अल्टरनेट हैंड और यहाँ रखेंगे राइट को पीछे देखने की कोशिश करेंगे, चेंज
पहले राइट किया था फोल्ड, अब लेफ्ट फोल्ड करेंगे और राइट हैंड को टोट एंकल होल्ड करेंगे और पीछे देखेंगे। यस सेम एज राइट लेग। यस लेफ्ट यस। अब पहले जितना देखा था लेग चेंज राइट, अब पहले जितना देखा था उससे ज़्यादा करेंगे। लास्ट टू ब्रीथिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल ही रखेंगे। यस लास्ट यस हैंड शेक। अप साइड डाउन साइड अप फ्रंट इजी। अब इस तरीके से करेंगे, ये दोनों को पकड़ने की कोशिश रखेंगे और बैक को स्ट्रेच करेंगे। इसको कहते हैं गौमुखासन। यस सिंगल राइट लेफ्ट हैंड से इसको खींचेंगे। यस अब लेफ्ट हैंड फोल्ड अपार्ट योर फीट, जितना खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। यस टो इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड। यस अल्टरनेट हैंड टच करेंगे, ये करेंगे। यस थोड़ा स्पीड हाई करेंगे। हाई स्पीड स्पीड एट्टी परसेंट स्पीड से करेंगे। हंड्रेड परसेंट इजी इजी इजी। यस लेग शेक
यस अगेन, जितना आगे जा सकते हैं बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। वापस, कोई जर्क नहीं देंगे। वापस हैंड को क्लोज रखेंगे बॉडी के और बैक साइड स्ट्रेच करेंगे। यस, वापस क्लोज योर फीट, लेट जाएंगे। एंकल को होल्ड रखेंगे और बॉडी को उठाने की कोशिश करेंगे, मिडिल बॉडी को। डाउन डाउन अगेन, अब होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इजी। अगेन करेंगे 15 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अप। लेग शेक, चक्रासन, सर हेड को टच नहीं रखेंगे, हेड टच नहीं करेंगे, हेड को स्लोली स्लोली उठाने की कोशिश करेंगे। यस वेरी गुड, यस डाउन, अगेन एक और बार फिर से करेंगे। यस अगेन चक्रासन के लिए वी रेडी, होल्ड रखेंगे काउंट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, डाउन। यस नी को फोल्ड करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को हिलाएंगे। यस अप डाउन, उठने की कोशिश करेंगे पूरा, जितना उठ सकते हैं उतना उठेंगे। ये बैक के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। यस उठ के बैठेंगे, जिस पोजीशन में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उसमें बैठेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, इनहेल एक्सहेल, बैक स्ट्रेट, नाड़ी शोधन करेंगे। ये
राइट से लेंगे, लेफ्ट से लेने के बाद में फिर बंद करेंगे। बंद, अब इसी में स्टॉक लगाएंगे। पहले डीप हेल, फिर स्टॉक, धीरे धीरे से स्टॉक लगा लगा के निकालेंगे। आईज क्लोज करेंगे, ध्यान लगाएंगे, हमारी सांस, हृदय की गति को महसूस करेंगे। आईज क्लोज में ही लेट जाएंगे, लेफ्ट साइड करवट लेके, यस, लेफ्ट साइड करवट, पाम स्काई, पाम ऊपर की साइड, ध्यान लगाएंगे और ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, हृदय की गति को महसूस करेंगे, हवा को चलती हुई महसूस करेंगे। अब अपने ध्यान को दोनों अपनी थ्रेड के बीच में लगाएंगे।
वहाँ एक लकीर सी बनी हुई है, उसको दूर करेंगे। अब अपने ध्यान को अपनी नोज पे लगाएंगे कि सांस हवा कैसे आ रही है महसूस करेंगे। अब अपने ध्यान को अपने शोल्डर्स पे लगाएंगे कि शोल्डर्स में जो पेन हो रहा है उसको आउट करेंगे। अब अपने ध्यान को अपनी बाइसेप्स पे लगाएंगे आप अपने ध्यान को अपने ट्राइसेप्स पे लगाएंगे। कहीं भी बॉडी में जो पेन हो रहा है उसको आउट करेंगे। आप अपने ध्यान को अपनी फिंगर्स पे लगाएंगे। आप अपने ध्यान को अपनी थाइस पे लगाएंगे। थाइस में जो पेन हो रहा है उसको आउट करेंगे। अब अपने ध्यान को अपनी नीज पे लगाएंगे। नीज में जो पेन हो रहा है उसको आउट करेंगे और अपने आप को बहुत अच्छा अच्छा फील करेंगे। अब अपने ध्यान को अपनी काफ पे लगाएंगे। काफ में जो पेन हो रहा है उसको आउट करने की कोशिश करेंगे। अब अपने ध्यान को अपनी टोज पे लगाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को हिलाएंगे। अब अपने रिस्ट में मोशन करेंगे। नीज तो में मोशन करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के आगे रफ करेंगे। आइस पे रखेंगे, आइस को सेक करेंगे। अगेन इस बार थोड़ा स्पीड से रफ करेंगे। आइस को सेक करेंगे, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, स्टोमक, थाइस, काफ। थाइस, काफ, टो, यस। अब धीरे धीरे से आईज ओपन करेंगे। अब अंगड़ाई लेंगे और महसूस करेंगे कि अभी सो के उठे हैं। लेफ्ट साइड करवट लेंगे और उठ जाएंगे। ओके, थैंक यू।